हेलो दोस्तों, गुरु नाम अंकिता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज जो जो यूट्यूब चैनल पे है उन लोगों का सबसे तहे दिल से शुक्रिया, और जो फेसबुक में है उन लोग मेरे आईडी को फॉलो करें। मेरे आईडी पे लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल के। या दोस्तों, आज तो मतलब थोड़ा कुछ टाइम के लिए ऐसे लगा कि मैं तो ज़िंदगी से उठ चुका हूँ। ज़िंदगी में दो चीज़ की हमेशा याद रखना चाहिए। एक चीज़ है जो आज है, खिलता खुलता ज़िंदगी सबके साथ है, और कल है अगली। कब टाइम बोर्ड चल दे किसी का नहीं पता। तो मेरे को आज चेकअप के लिए गया, मशीन में डाले तो मेरे खांसी है पहले से। तो क्या है, अगर मशीन में जाओ तो खांसी होने से भी आपको तकलीफ है, आप खांस भी नहीं सकते, ना हिल सकते हैं, ना बातें कर सकते हैं। तो सीटी स्कैन करना पड़े मेरे को। मेरे कान में थोड़ी तकलीफ है, पर्दा जो है वो फट चुका है, कई साल हो गए, दो तीन साल हो गए, लेकिन बीच बीच में दर्द होता है और उसमें से मतलब गंदा भी निकलते हैं। तो जांच के लिए गए थे वहाँ, तो मतलब मशीन के अंदर डाल दिया। पहले बोला जितना खांसना है खांस ले आओ, क्योंकि अंदर जाके आपको खांसी के चांस नहीं मिलेंगे। कितना टाइम रहना है वो भी नहीं पता, जब तक ना उन्हें ठीक से जांच करे तब तक नहीं निकलते हैं। तो एक है सीता, मरने के बाद जब आप सीता में चढ़ते हो तो उस टाइम आप आपको तो पता ही नहीं है, आप तो दुनिया से चले गए हैं, ना हिल सकते हैं, ना धुल सकते हैं। जैसे आपको बैठा देते वैसे आपको बैठना पड़ते, उसी तरह आपको MIR जो मशीन है उसमें आपको ऐसे ही बैठा देगा। आप सीधा है के बैठिए, ना हिल सकते हैं, ना धुल सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, चुपचाप। क्या पता उसी के अंदर ही आपके मौत हो जाए। तो ज़िंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल के रहना, लोगों के साथ अच्छे से बातें करना, अपना अभिमान को त्याग कर देना कि मैं अच्छा बड़े अमीर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, मुझे क्या दुनिया से लेना देना। इंसान एक ही तरीका, एक ही से जीते हैं। अमीर आदमी भी चावल से भात खाते हैं, गरीब भी चावल से भात खाते हैं। इंसान इंसान या जानवर नहीं है। तो पैसा कौड़ी तो सभी के पास है, और क्या पता आज हमें कल नहीं है, लेकिन हमारी जो बातें हैं, हमारी व्यवहार है वही रह जाते हैं। तो देखिए, ये है मशीन, इसी के अंदर मेरे को भेजा, और ये रिपोर्ट है। तो पहले तो थोड़ा कुछ पता नहीं चलते है, थोड़ा थोड़ा करके घुसाते 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 तो पूरा अंदर घुसा ही लेते हैं, और तब ऐसा लगता है कि कब मेरे को निकालेंगे, कब मेरा टाइम पूरा होंगे। अगर मेरे को खांसी आ जाए, अगर कोई तकलीफ हो जाए, तो हिम्मत से काम रखिए और भगवान को याद करते रहिए। आप जब भी उसमें लेट जाए उसी टाइम आप अपना आँख तो बंद कर लीजिए, क्योंकि अंदर जाके आपका आँख बिल्कुल नहीं खुलना है। आपके आँख के जो पर्दा है वो भी खराब हो सकता है, और अगर उसको देखोगे तो आप थोड़ा डर भी जाओगे। तो हिम्मत बनाए रखिए, और उस रूम में किसी को तो आना के मतलब नहीं देते हैं, फिर भी मेरे बेटी को मैं बोली थी थोड़ा टाइम के लिए कर लेना करके, ताकि आप सबको देखा सकूँ, तो उतना ही देखा सके। बाकी उस रूम में कोई नहीं रहता है, जिसने मेरे को उसमें रखा है वो भी निकाला आ जाते हैं दूसरा रूम में। उन लोग चेक करते हैं कंप्यूटर में क्या क्या हो रहा है, क्या से क्या प्रॉब्लम है। तो एक बात को याद रखना, आपके अगर प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, खांसी है, सर्दी जुकाम है, तो इस हालत में आप बिल्कुल MIR टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप उसकी जब मशीन के अंदर जाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, हिल दुल नहीं सकते। मेरे खांसी, मेरे पास एक ही टेंशन था मेरे खांसी ना आ जाए, लेकिन मेरे एक मिनट में दो तीन बार में खांसी खास खास के मर रही थी,
तो बस वही एक तकलीफ मेरे को रहे है कि मेरे को खांसी ना आ जाए। भालो ही मैं थोड़ा आँख बंद करके भगवान के सूरत को याद करके उसकी चरण से स्पर्श करके मैं उसकी सिर तक चढ़ सकूँ। भगवान कैसे है यार, इतना टाइम में मेरे पूरा काम बन गया है। तो भगवान के नाम से अगर लोगी तो आपके जिंदगी सवार हो जा सकता है। मैं तो भगवान के चरण कैसे है, उसकी घुटना कैसे है, उसकी कमरबान कैसे है, उसकी गले का हार कैसे है, उसके मुस्कान कैसे है, उसके आँख के नैन कैसे है, उसके तिलक कैसे है, उसके बाल कैसे है, और उसकी बाँसुरी बजाने वाला सुर, जब वही सब आपको याद आता है ना तो उस टाइम को पता नहीं चलता आप कहाँ हो। ठीक है, बस इतना हिम्मत रखना। बाकी जो कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा डरते हैं, मैं भी पहले थोड़ा डरती थी, लेकिन आज जब मशीन के अंदर गई तब मेरे को थोड़ा भरोसा हो गया। लेकिन एक ही बात, जब भी आप टेस्ट कराए अपना शरीर पूरा सुस्त ताज़ा रहे तब जाए। बाकी भगवान आपके सबके कृपा रखे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।